नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैं प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC MTS 2019 का आपका रिजल्ट आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग कई जो डाउट्स आपके दिमाग में हैं, उन सारे डाउट को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे कि आखिर आपकी कब तक ज्वाइनिंग होगी, मतलब कब तक आपको जॉब आपके हाथ में मिल जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेफ स्कोर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका डीवी का जो प्रोसेस है वो कब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन आपका लगने वाला है। और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगा, मतलब कब तक आपको डिपार्टमेंट आपके अलाट हो जाएंगे और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या आपको प्रेफरेंस जो है वो दोबारा भरने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसके अलावा कई और जो डाउट है आपके दिमाग में वो भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से बस यही राय है मेरी, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले पॉइंट की कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ टाइम पहले एक कंपेन चलाया था ट्विटर पे, कंपेन स्पीकर फॉर SSC रेलवे एग्जाम, जिसका ही रिजल्ट था कि हमको जो हमारे अपकमिंग रिजल्ट आने वाले थे उनकी डेट्स मिली थी, नहीं तो इससे पहले डेट भी SSC के द्वारा नहीं बताई गई थी। तो उसी में SSC ने जो नोटिस निकाला था जिसमें कई एग्जाम की और डेट दी थी, उसमें SSC ने MTS के रिजल्ट की भी डेट दी थी 31 अक्टूबर, यानी कि आपका 31 अक्टूबर को रिजल्ट उन्होंने बोला है कि ये आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 अक्टूबर से आपका पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। 31 अक्टूबर से आपका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, क्योंकि जो SSC CGL का रिजल्ट है वो भी अपने टाइम से पहले ही आया है। तो आपका ये हम मान सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि अब आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। 31 अक्टूबर के पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पे कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। सेफ स्कोर कितना रह सकता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कंप्लीट तरीके से एनालिसिस करके बताया है कि UR से आप अगर हैं तो आपके लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है, OBC के लिए कितना हो सकता है, SC के लिए कितना हो सकता है, ST के लिए कितना हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ तो अगर आप 80 प्लस हैं, ये मैं UR के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 80 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है, और आप UR कैटेगरी से हैं तो आप सेफ हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, UR का मैंने इस वजह से बताया क्योंकि बाकी जो भी कैटेगरी है वो इसके नीचे ही लाई करेंगे। ये मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया। अब यहाँ से अंडरस्टूड है कि जो OBC वाला है, SC वाला है, ST वाला है, अगर वो इसके आसपास या इतना उसका स्कोर है तब तो वो 100% सेफ है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो UR का है वो 80 प्लस जो है वो सेफ है, सेफ स्कोर है। कहीं ना कहीं अगर उसने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेफ स्कोर की चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि आपका डीवी जो है वो कब तक हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि SSC ने बोला है कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो 31 अक्टूबर को अगर रिजल्ट आएगा या उससे पहले आएगा तो उसके बाद कितना टाइम आपको लगेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक तो आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है, एक आपका कट ऑफ आएगा, और दूसरा जो भी बच्चे डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी लिस्ट आएगी, ठीक है, उनकी लिस्ट आएगी, अलग अलग स्टेट के हिसाब से लिस्ट उसकी निकलेगी। और डीवी का जो प्रोसेस है वो मैक्स से मैक्स आपका 15 दिन उसमें लगेगा अगर सही से काम किया जाए। अगर सही से काम होगा तो 15 दिन लगेगा या एक महीने भी लग सकता है। अब वो डिपेंड करेगा SSC पे कि वो कितनी फास्ट जो है वो अपना काम करवाता है, लेकिन मैक्स से मैक्स आपका जो टाइम इसमें लगेगा डीवी के लिए कॉल लेटर वगैरह भेजने में वो 15 दिन लगेगा। आपको पता है कि जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उससे एक हफ्ते पहले यानी कि 7 दिन पहले आपका
जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम मान लेते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एक महीने का टाइम लगेगा। तो 31 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया और मान लेते हैं कि नवंबर से आपका जो डीबी है वो स्टार्ट हो गया, नवंबर से आपका डीबी स्टार्ट हो गया, तो एक महीने इस प्रोसेस में भी लगेगा कि डीबी आपका अलग अलग, क्योंकि इतने ढेर सारे कैंडिडेट हैं तो उनका डीबी होना, तो मान लेते हैं कि इस डीबी के प्रोसेस में एक महीने का टाइम लग जाएगा। तो दिसंबर आपका हो गया, तो मान लेते हैं कि दिसंबर में आपका जो डीबी है वो डीबी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। डीबी का प्रोसेस अगर दिसंबर में कंप्लीट हो गया और अगर इन्होंने रिजल्ट जो है अगर सही से काम किया तो रिजल्ट जो है वो इसके एक महीने के बाद ये दे सकते हैं। जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं कि एक महीने के बाद अगर ये रिजल्ट देंगे तो जनवरी में आपका रिजल्ट जो है, जनवरी में अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो जो भी बच्चे हैं उन्हें जो भी अलाट होगा डिपार्टमेंट या जो चीज़ें होंगी, फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्या आपको प्रेफरेंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा प्रेफरेंस भरने की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फॉर्म के शुरुआत में स्टेट का प्रेफरेंस दिया है, कोई आपने स्टेट मान लेते हैं उनको प्रेफर में रखा हुआ है, तब तो अच्छी बात है, वही आपका रहेगा। लेकिन अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है तो आपका वो हूबहू रहेगा, आपको चेंज करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो आपका डिपार्टमेंट अलाट होगा, जो स्टेट आपको अलाट होगा, वो वहीं से अलाट होगा। वो एसएससी आपको अलाट करके देती है, वो आपको चॉइस नहीं देती है कि आप स्टेट को प्रिफर कर सको। तो जहाँ भी आपका जो भी आपको स्टेट मिलेगा, अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो जो आपका स्टेट प्रेफरेंस मिलेगा वो आपको अलाट हो जाएगा, डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, अगर मान लेते हैं कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है, तो जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है मैक्स से मैक्स इसमें 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा, जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या और तमाम चीज़ें होती है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा, मेडिकल होगा आपका, तो जो तमाम प्रोसेस हैं उन्हें कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ गया अगर फाइनल, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई से जून तक आपकी नौकरी जो है वो आपके हाथ में होगी, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा, ये ऑथेंटिक चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर जो भी बातें बता रहा हूँ वो गुमराह करने के लिए बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। और इतना जो है वो मैक्स से मैक्स टाइम आपका लग सकता है, क्योंकि क्या होता है अब वो डिले जितना कर दें वो तो एसएससी पे डिपेंड करता है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ज्वाइनिंग जो है वो कब तक मिल जाएगी। तो अप्रैल से मई तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है अगर सही से काम किया जाएगा। तो ये है आपका प्रोसेस। उम्मीद है कि जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ तक बने रहे उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।